देश के एकमात्र नारीवादी और ग्रामीण न्यूज़ चैनल को समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट के सदस्य बनें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा। कस्बे में कितने दिमाग से दिव्यांग व्यक्ति हैं और उनके बारे में आपका क्या कहना है? हमारी बस्ती में लगभग 10-15 दिमाग दिव्यांग लोग हैं जो बेवारा बेसहारा हैं और ना उनको टाइम से कोई खाने देने वाला ना कोई परवरिश करने वाला। जो सरकारी पे अभी भोजन लॉकडाउन में आ रहा है वो ये लोग अभी खा भी रहे हैं। इसके बाद इनको कोई खिलाने वाला ना कोई पेड़ कपड़ा देने वाला परवरिश करने वाला कोई नहीं है। अब ये हमारी शिकायत करने के तो हमने 2-3 बार की है, विधायक से भी अपनी बात डाली, जनता दरबार में भी इसको ले गए, जनता दरबार में भी बात डालवाई, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि ये लोग यथास्थान पे अपने रहने लगें और शासन जितना बने तो इनका सहयोग करे। भाई हम लोगों का ना करे तो ना करे, कम से कम इन लोगों का तो शासन ध्यान करे। हम तो अपना तन मन धन सब निछावरी नीक पे किए हैं, लेकिन बसरते हम भी इतने मजबूत नहीं हैं कि हम इनका पूरा लोड उठा सकें। जो करता है तो सोचता नहीं है कभी, और दूर से खाना देने पड़ा तो ये छू नहीं सकता है। कहाँ कहाँ के चाची को बैठा हो चट्टी लगाए तो वहीं चट्टी होने लगे, वो तो कोई नहीं। इस तरह में लड़के लड़का बिटिया भी निकलते हैं छोटे, तो आपको किस तरह का महसूस होता है कभी? कहा लड़का बच्चे ने मार दी, हाँ ये भी बात, मार सकता है और मार देता है। एक औरत को वहीं सामने रहती थी, उसको ऐसा थपाड़ा मारा था उसने कि भम गई थी वह। हाँ तैयार को मारी थी। क्यों मारता है? जो अब पागल तो पागल को क्या है, वही है पागल में आ गया, तो पागल है वो तो मार ही दे। तो इसको पता नहीं है कि कहाँ का रहने वाला है? जो नहीं है भाई, गांव को पता नहीं है। आप कब से देख रहे हैं? 3 साल हो गए। कहाँ रहता है? नहीं बड़ा की तरह बड़ा रहता है, एक डेरा में पढ़ रहा हूँ तो उनमें पढ़ रहा हूँ कभी। अब स्कूल के सामने सरकारी स्कूल के सामने पढ़ता है लाड़पुर में। हाँ लाड़पुर में फर्स्ट वर्ड। ये दिमाग से तो खराब, मतलब दिमाग से डिफेंस तो है ही, तब तो ये अपना सब छोड़े हुए फिर रहे हैं। नए नए अपनों से मतलब, नए नए पराओं से मतलब, ये अपने पेट के लिए ही बड़बेड़े फिर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, फिर रहे हैं बेचारे आफत के मारे। कोई किसी ने दे दिया तो दे दिया, नहीं तो मार भी दिया, भगा भी दिया। आपने कभी इन दिव्यांगों के बारे में प्रशासनिक से बोला है कि ना कोई ठहुर ठिकाना लगाया जाए कहीं पे? हमने कई बार रिक्वेस्ट की है, अपने पुलिस प्रशासन से भी किया, तहसील स्तर से भी किया, लेकिन हमें एक झूठा भरोसा के अलावा कुछ नहीं मिला। क्या आश्वासन के अलावा हमको कुछ नहीं मिला? आश्वासन ही देते रहे कि हो जाएगा, लेकिन काम अब तक नहीं हुआ। न इन पे कोई गौर कर रहा है, न कोई ध्यान कर रहा है। आप कहाँ रहते हैं? तो किस जगह खाते हैं, किस जगह सोते हैं? गोंदी चौराहा। गोंदी चौराहा बस। कहाँ पर, किसके मकान में सोते हैं? अरे जो है ना, अरे बात पे सोते हैं राजी के यहाँ तखट डरा उसके वहाँ से सुना दे। खाते क्या हैं? ऐसा तैसी से आता है, कहीं कहीं से आता है तो मिल जाता है, फिर वहाँ से चल अपना खा लेते। कोई कुछ कौन नहीं था, किसी को कौन नहीं था, तहसील वाले देते, स्कूल वाले देते उसे और खा लेते। अगर किसी साहब वाले हमका कोई भी व्यक्ति अगर एक दिन दो दिन उनको खाना ना मिले किसी कारणवश, तो उनका मानसिक तनाव ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है। तो जब उनको भी इसी तरीके से मेंटेन से खाना मिल जाए तो उनका मानसिक संतुलन कुछ हो सकता है, भूल तो नहीं कहते हैं लेकिन कछु न कछु हो सकता है, तो उनकी आत्मा को शांति मिल सकती है।
ऐसे आपके क्षेत्र में कितने आपने के नज़र में आते हैं जो पैर के बल मतलब बैठे घिसटते हैं और खड़े खड़े इधर फिरते हैं उधर फिरते हैं? कई हैं, महुआ गए हैं, महुआ में मिलते हैं, ये इधर पनवाड़ी तरफ है, देहातों में भी है, यहाँ मार्केट में है, यहाँ मतलब स्टैंड पर भी है, तमाम लोग फिरते हैं, लेकिन उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है, लेकिन होना चाहिए इनका, क्योंकि वो मनुष्य हैं। आपने कभी ऐसी बात प्रशासन से बोला है उनके बारे में? हाँ, इनके बारे में किया है हमने। कब किया है? जो हमने जो है करीब बासपा सरकार में किया है, सापा सरकार में किया है। सरकार ने जो है लॉकडाउन के हिसाब से मतलब पक्की खाना आना कहीं मिलता है तो कहीं देवताओं जैसी अफवाही एक एक पार्किंग दूर से फेंक देते हैं, तब कहीं उनको मिल नहीं पाती, कुत्ते पहले ले जाती, तो उनको व्यवस्थित रूप से खाना मिलना चाहिए, सही देख रेख उनकी व्यवस्था के लिए कर्मचारी भी या सेवक नियुक्त करने की, जैसे गौशाला के लिए इसी तरीके की इनका होना चाहिए, जिससे उनको भरपेट भोजन मिल सके, उनकी मानसिक स्थिति सही हो सके और सरकार का एक धर्म हो सके। जो दिव्यांग मतलब दिमाग से दिव्यांग हैं और वही रोडों में रोते बिलोकते फिर रहे हैं, सर उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? अगर आपको कहीं ऐसे लोग दिखे हैं तो आप उसके बता दीजिए कहाँ वो हैं, या जो भी आपके संज्ञाना विषय है बता दीजिए, उनकी पूरी मदद होगी, उनकी पूरी पूरी खाने पीने रहने की, अगर रहने की जगह नहीं है, हैं, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो जिनके किसी परिजन के हैं, वो परिजन के हैंड ओवर रहते हैं, देखते हैं, अगर उन लोगों को कोई समस्या है तो बताएंगे तो उनकी तकलीफ दूर भी जाएगी। सर एक वो लाड़पुर में है, वो 3 साल से बराबर रह रहा है, उसके उसका भी कोई अता पता नहीं है, वो पुरुष है, और एक महिला है जो वो तहसील के पास में और मार्केट में फिरती रहती है रोती हुए, और एक आपके जहाँ पर आपका पानी प्याऊ खुला था अभी, वहाँ पर एक महिला वो पुरुष है जो आपका बस वो अलाउंस करता रहता है। हाँ तो सर इस तरह की व्यक्तियों को जो की व्यवस्था करवाते हैं, हम मदद लेते हैं, जो आपने जगह बताई है इन जगहों पे हम दिखवा लेते हैं। सर कब तक दिखवाएंगे? स्थितियों दिखवा लेंगे, कल ही तक दिखवा लेते हैं, आज कल में ही दिखवा लेंगे जी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।